नमस्कार दोस्तों। तो अम्फन चक्रवात से संबंधित एक लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो है वो इस समय निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों अपडेट ये है कि अभी जो है वो सेना को अलर्ट पर कर दिया गया है और जो अम्फन चक्रवात है ये जो है वो भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में अभी जो है वो बदल गया है और धीरे धीरे अभी बात करें तो ये जो है वो भारत के जो तटवर्ती इलाके हैं यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल या उड़ीसा की तरफ ये जो तूफान है ये अभी बढ़ रहा है, जिसको लेकर के पीएम मोदी के द्वारा जो है वो एक आपातकालीन बैठक भी जो है वो की गई है। और अभी अगर बात करें तो इसके चारों तरफ जो नमी वाली हवाओं की गति है वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। इसका मतलब ये है कि अगर ये भारत के तटवर्ती इलाकों के पास से गुजरता है तो उस स्थिति के अंदर भयंकर जो है वो तेज़ हवाएँ यहाँ पर जो है वो चल सकती है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या इससे भी ज़्यादा रफ्तार से, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो जान माल का खतरा यहाँ पे जो है वो मंडरा रहा है। खासतौर से बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, इसके साथ साथ में मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों के अंदर जो है वो भारी बारिश और तेज़ जो है वो हवाएं चल सकती है। और इसके साथ साथ में बात करें तो बिहार के भी जो पूर्वी ज़िले हैं यानी पूर्णिया और आसपास के ज़िले, वहाँ पर भी इस तूफान का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ उत्तराखंड के भी पूर्वी ज़िलों के अंदर और छत्तीसगढ़ के भी पूर्वी और उत्तरी ज़िलों के अंदर यहाँ पर जो बारिश का अनुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा जो है वो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के लिए जो है वो लगाया गया है। सिक्किम के अंदर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देखने को मिल सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो केवल पूर्वी कुछ ज़िलों के अंदर हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर या आप कह सकते हैं कि पश्चिमी भारत के अंदर जो है वो राजस्थान सहित गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो तेज़ लू जो है वो चलने का अनुमान लगाया गया है यानी गर्म हवाएँ यहाँ पर चल सकती है, क्योंकि सारा जो मॉइस्चर है वो इस अम्फन चक्रवात के द्वारा जो है वो अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। जिसकी वजह से बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर जो है वो तेज़ लू का अलर्ट है, तो वहीं बात करें तो पूर्वी भारत के अंदर यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर जो है वो पश्चिम बंगाल, मेघालय और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर यानी त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड सहित इन राज्यों के अंदर जो है वो तेज़ तूफानी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा जो है वो जारी किया गया। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि आप जो है वो भारत के अंदर किस राज्य, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, ताकि आपके एरिया के मौसम के बारे में भी आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर जो है वो जानकारी दी जा सके। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।